नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों अभी तक मैंने चाइना से रिलेटेड काफी सारे वीडियो बनाए और उन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने मुझे अपना भरपूर प्यार दिया और साथ साथ काफी सारे प्रश्न भी पूछे। मैंने कोशिश की कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूं, लेकिन मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब उन सभी वीडियोस में नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, चाइना ट्रैवल 2023, जिसके अंदर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि चाइना कैसे जाएं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। आपको सभी प्रश्नों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा अपनी इस सीरीज चाइना ट्रैवल 2023 में। आज इसी सीरीज का पहला वीडियो जो है मेरा है इंडिया टू चाइना। मैं कैसे गया, मेरे साथ क्या क्या तकलीफें आई या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, ये सारी की सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा कि इंडिया टू चाइना कैसे गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो इंडिया टू चाइना। वीजा आने के बाद मैंने वीजा के बारे में आपको पहले बताया था, हाउ टू गेट चाइनीज बिजनेस वीजा। आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसका मेरा ये वीडियो देखिए कि चाइना का बिजनेस वीजा कैसे लिया जाए। दोस्तों मैंने चाइना का बिजनेस वीजा लिया और अपनी टिकट फ्लाइट टिकट बुक कराई और सही समय पर मैं अपने घर से चाइना के लिए निकल गया। दोस्तों चलिए चलते हैं आज फिर चाइना की तरफ और आपको चाइना घुमाते हैं। आज मेरा चाइना निकलने का टाइम हो गया है और जल्दी टैक्सी पकड़ के गाड़ी से अपनी गाड़ी से चाइना निकल रहे हैं और आपको इस वीडियो में आगे आने वाले सभी वीडियो में मैं अपने चाइना जर्नी दिखाऊंगा, चाइना में कैसे कैसे मेरे साथ हुआ, कौन कौन सी मार्केट है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको चाइना के अंदर जाके दूंगा। तो दोस्तों अपना चाइना का सफ़र शुरू होता है, हमारी जर्नी अब शुरू होती है। घर वालों को बाय बाय बोल दिया, अब हमारी गाड़ी सीधी की सीधी चलेगी दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रास्ते में एक दोस्त को भी उठाना मतलब कि उसको भी पिकअप करना है। अभी हमने उठा लिया है, मतलब कि पिकअप कर लिया है सुनील का। और ये सुनील जी भी हमारे साथ चलेंगे, ये बैठे सुनील जी, ये भी पहली बार चाइना जा रहे हैं। इनको भी हमने सोचा कि घुमाया जाए चाइना और इनको भी बताया जाए कि चाइना कैसा है और वहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं। वैसे तो ये अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे, बाकी मेरे साथ मिस्टर अलोक सोनी जी भी हैं जो आगे बैठे हैं, ये भी मेरे साथ चाइना जा रहे हैं और ये भी आपको अब मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहेंगे। सही समय पे घर से निकलने के बाद अपनी गाड़ी से हम तीन दोस्त चले, मैं, मेरा दोस्त आलोक सोनी जो मेरे साथ दो तीन बार चाइना पहले भी जा चुका है, और मेरा एक दोस्त सुनील, सुनील जी भी इस बार पहली बार गए थे मेरे साथ। दोस्तों जब हम यहां से निकले तो मेरी फ्लाइट, मैं जो आपको बता दूं कि मेरी फ्लाइट क्या थी, दोस्तों मैंने कैथे पैसिफिक की फ्लाइट की थी। जो मेरी फ्लाइट थी वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग तक थी और हांगकांग से ग्वांगझाऊ थी। तो मेरा ये पूरा सफर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग, हांगकांग टू ग्वांगझाऊ। हांगकांग पे मेरे को जो लेओवर था, टाइम था, जो कनेक्टिंग फ्लाइट को पकड़ने का टाइम था, वो एक घंटे का था। तो दोस्तों जब हम यहाँ से चले सही टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच गए। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, अपना एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमारा काम था बोर्डिंग पास लेना और अपने लगेज को वहाँ जमा करा देना, जो हमारे हैंडबैग थे। कैथे पैसिफिक की लाइन काफ़ी बड़ी लंबी लगी हुई थी बोर्डिंग पास के लिए और हमारा लगेज भी काफ़ी भारी था तो उसको जमा कराना ज़रूरी था। कैथे पैसिफिक में 23 किलो अलाउ है और एक ही लगेज अलाउ है, आप दो लगेज नहीं ले जा सकते। आप एक ही लगेज देंगे और 7 किलो का आपका हैंड कैरी बैग होगा जो आप अपने साथ फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। और जैसे ही हम कैथे पैसिफिक की लाइन में लगे बोर्डिंग पास के लिए, तो वहां हमने एक लड़की ने जो कैथे पैसिफिक की काम करने वाली थी, एग्जीक्यूटिव थी, उसने बताया कि इस स्कैन कोड को आप स्कैन कर लीजिए क्योंकि चाइना के अंदर हेल्थ डिक्लेरेशन की जरूरत है। आप चाइना जा रहे हैं तो आपको हेल्थ डिक्लेरेशन आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में RT-PCR ले गया था, अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट ले गया था, अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट ले गया था, होटल बुकिंग के कागज भी ले गया था, क्योंकि
रैंडमली आपको इमिग्रेशन पे पूछा जा सकता है कि आप चाइना में बिजनेस के लिए या टूरिस्ट वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा पे आए हैं तो आपने होटल कहाँ बुक किया है। अगर आपके पास नहीं होगा तो शायद वो आपको कुछ ना कुछ फाइन कर सकता है या आपको डिपोर्ट कर सकता है, समथिंग हो सकता है, लेकिन वो रैंडमली है, हर किसी आदमी का से नहीं पूछा जाता वो। मैंने होटल बुकिंग भी ले ली थी, सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, फ्लाइट टिकट सब कुछ था, लेकिन अब क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आगे चाइना में कोविड से रिलेटेड मुझसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब उसने बोला कि आपको एक स्कैन करना है, आपके पास वीचैट है तो वीचैट से स्कैन कीजिए, अदरवाइज अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन कीजिए। जब मैंने वो स्कैन किया तो एक फॉर्म खुल के आया और फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स थी, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट, मेरी टिकट, ये सारी डिटेल्स मैंने जब जमा की, वो एयरलाइंस वालों ने भी मेरी उसको फॉर्म को भरने में मदद की। जब वो फॉर्म भर गया तो उसको ओके करते ही एक स्कैन कोड आ गया, एक स्कैन कोड को उन्होंने कहा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्कैन कोड का, क्योंकि ये आपको चाइना में काम आएगा। दोस्तों मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने साथ रख लिया। जैसे ही मैं बोर्डिंग के गेट पे पहुंचा, बोर्डिंग पास के लिए हम तीनों दोस्त पहुंचे, तब मेरे साथ एक ट्रेजडी हो गई। अब ट्रेजडी कह लीजिए, मेरी किस्मत बेकार थी, लेकिन एक घटना हो गई और मैं चाहता हूँ उस घटना को आपको बताना ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आपके साथ भी हो तो आपको क्या करना है और कैसे सावधान रहे ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही हम तीनों बोर्डिंग पे बोर्डिंग पास लिया, अपना लगेज जमा कराया, तो मेरे दोनों दोस्तों को जो मेरे साथ थे उनको तो बोर्डिंग पास दे दिया गया, मेरे को मना कर दिया गया। मैंने पूछा मुझे बोर्डिंग पास क्यों नहीं दिया जा रहा, तब वो अंदर जो काउंटर पे बैठी थी लड़की, उसने कहा कि आपको बोर्डिंग पास बाद में मिलेगा, पहले आपको कस्टम हाउस जाना होगा, कस्टम ऑफिस जाना होगा, आपको कस्टम क्लियर कराना पड़ेगा। मैंने बोला मैं अभी तो इंडिया से निकल रहा हूँ तो मेरे पास कस्टम से रिलेटेड, बोले पता नहीं लेकिन आपको कस्टम ऑफिसर ने बुलवाया है, आपका नाम के आगे लिखा हुआ है कि आपको कस्टम ऑफिस जाना होगा। मैंने कहा ठीक है जी जाऊंगा, दिल में घबराहट तो हुई कि मुझे कस्टम वालों ने क्यों बुलवाया, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे जाना था। मैंने कहा जी ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ। तब उन्होंने बोला कि हमारी एक लड़की आ रही है जो कैथे पैसिफिक की है, एग्जीक्यूटिव है, जो भी जो जॉब करती है, वो आपको कस्टम ऑफिस तक ले जाएगी। दोस्तों दो मिनट बाद लड़की आ गई, वो मुझे कस्टम ऑफिसर ले जाने लगी, तब उसने मुझे कहा कि सबसे पहले सर आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करा लीजिए, उसके बाद मैं आपको कस्टम ऑफिस ले जाऊंगी। वो इमिग्रेशन के पीछे खड़ी हो गई, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इमिग्रेशन क्लियर कराया और उस लड़की ने कहा चलिए सर। तो मैंने अपने दोस्तों को अपना हैंड कैरी बैग था, जो लैपटॉप था या दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने उसको अपने दोस्त को दे दिए, एक दो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी जेब में रख लिए, और वो मेरे दोस्तों को कहा ठीक है आप चेकिंग कीजिए, जो अपना चेकिंग चेकअप सिक्योरिटी चेक है वो करवाइए, मैं तब तक कस्टम ऑफिस से होकर आता हूँ। वो लड़की मेरे को कस्टम ऑफिस लेके गई, वहाँ एक कस्टम ऑफिसर बैठा था, उस लड़की ने मेरा पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास उस कस्टम ऑफिसर को दिया और कुछ एक लिस्ट उस कस्टम ऑफिसर को दी और लड़की बाहर चली गई। कस्टम ऑफिसर ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा बैठिए। मैं कस्टम ऑफिसर के सामने बैठ गया, उनके सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ था, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा, मेरा पासपोर्ट देखा और मेरे से मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बड़े ही आराम से बताया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया कि मैं चाइना जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा चाइना के कौन से शहर में, तो मैंने बताया कि गुआंगझोउ जा रहा हूँ और गुआंगझोउ से मेरा ईयू जाने का प्लान है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि आपके बैग में क्या है, तब मैंने बोला जी बैग में नॉर्मल कपड़े हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है। उन्होंने बोला कि आपका क्या काम है, तब मैंने अपने काम के बारे में डिटेल बताई। उन्होंने मेरे काम से संबंधित जानकारी पूछी और कंप्यूटर पर भी सर्च करते रहे मेरे काम के बारे में, मेरी वेबसाइट देखी है, कुछ किया, शायद मैंने अंदाज़ा लगाया लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या चेक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद मुझसे पूछा आपके पास कितने डॉलर हैं, तब मैंने उनको ईमानदारी से बताया कि मेरे पास $3,000 हैं। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये $3,000 कहाँ से लिए, तब मैंने बताया कि एक फॉरेक्स जो कंपनी है उससे मैंने परचेज किए। तब उन्होंने पूछा आपके पास इन $3,000 का कोई सबूत है, मैंने कहा हाँ जी, मैंने अपने पॉकेट से एक स्लिप निकाल के दी, जो मैंने पर्ची ली थी, जो फॉरेक्स खरीदे थे उसकी रिसिप्ट थी, रसीद थी कि $3,000 मैंने चाइना जाने के लिए खरीदे। मैंने उन कस्टम ऑफिसर को दिखाई, उन्होंने चेक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास इंडियन करेंसी कितनी है, मैंने कहा जी नहीं मेरे पास इंडियन करेंसी एक भी नहीं है, मेरे बच्चों ने निकाल ली। वो बोले पापा चाइना में इंडियन करेंसी का क्या करोगे, तो सर मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है। उसने उसके बाद मेरे साथ दो तीन नॉर्मल सवाल पूछे और उसके बाद कहा ठीक है ओके थैंक यू बाराजी आप जा सकते हैं। उसने मेरे को बोर्डिंग पास और मेरा पासपोर्ट लौटा दिया और मैं वापस बाहर आ गया। दोस्तों जैसे ही मैं कस्टम ऑफिस से बाहर निकला तो वो जो कैथे पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव थी वो बाहर खड़ी थी
उसने मुझसे छूटते ही कहा सॉरी सर। मैंने कहा सॉरी क्यों? तो बोली कि बहुत सारे पैसेंजर सोचते हैं कि कस्टम ऑफिसर के सामने हम लोगों ने हमारी एयरलाइंस ने फंसाया, लेकिन ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ये तो रैंडमली कस्टम वाले चूज करते हैं, ढूंढते हैं और टिक लगा के दे देते हैं कि इस आदमी को रैंडमली हमारे पास भेज देना। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है जो कस्टम वालों का है। तो इसमें मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी कोई, मैंने कोई गलत आदमी तो हूं नहीं जो मुझे घबराहट हो, आपने जो किया अच्छा किया, कोई बात नहीं, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी तो कर रहा हूं ये बात। तो दोस्तों कभी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल बिंदास होके उनके सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही दीजिएगा, आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास गया, वो सिक्योरिटी की लाइन में खड़े थे जो सिक्योरिटी चेक होना था, मैं भी उनके साथ लगा और सिक्योरिटी चेक करने के बाद हम अंदर आ गए। अब वेटिंग हॉल में थे, हमारी फ्लाइट उड़ने में भी थोड़ा वक्त था और थोड़ी सी टेंशन थी कि कस्टम में हो क्या है। उन दोस्तों ने पूछा, उनको बताया, लेकिन अब इसको दूर करने के लिए, थोड़ी सी टेंशन को दूर करने के लिए हमने प्लान किया कि लॉन्च में जाया जाए। दोस्तों लॉन्च के बारे में आप जानते ही हैं ना कि लॉन्च जो कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आपको 2 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये की स्वैपिंग पे आप अनलिमिटेड बुफे खा सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं, इंटरनेशनल में ड्रिंक मिलती है, अल्कोहल और सब कुछ, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं मिलती, लेकिन आप ड्रिंक ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, वेज नॉन वेज खाना आप खा सकते हैं, वो भी आपको 2 रुपये या 25 रुपये मैक्सिमम चार्ज पर आपके क्रेडिट कार्ड, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्टेबल होते हैं, उसकी लिस्ट आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं लॉन्ज में गए, हमने लॉन्ज में खाना खाया और एंजॉय किया, थोड़ी देर टाइम पास किया लॉन्ज में। आप देख सकते हैं लॉन्ज के सीन भी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर कि लॉन्ज में बैठे हुए हैं और लॉन्ज के अंदर क्या क्या है। IGI इंटरनेशनल T3 में जो लॉन्ज है अंदर उस पे थे। दोस्तों लॉन्ज में एंजॉय करने के बाद हम सीधा अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए, बोर्ड करने के लिए चल दिए, फ्लाइट के अंदर जाके अंदर बैठ गए। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ ये थी कि मैं और मेरे साथ आलोक सोनी की सीट तो साथ साथ थी, लेकिन हमारे साथ जो सुनील जी थे जो पहली बार चाइना जा रहे थे, उनकी फ्लाइट में सीट थोड़ी अलग थी। हमने अपने साथ बैठे हुए एक बंदे को भी रिक्वेस्ट की कि भाई सीट बदल ले, लेकिन उसने मना कर दिया, तो हम प्रेशर नहीं कर सकते थे कि भाई बदल ले। तो सुनील को कहा भाई सुनील तू जा अपनी सीट पर बैठ, हम यहाँ पर ठीक है। दोस्तों हम बैठे और सीट पे, और हमारी फ्लाइट टाइम पे उड़ी और टाइम पर टेक ऑफ कर गई, और जब फ्लाइट उड़ी तो थोड़ी देर बाद हमारे को खाना सर्व किया गया। अब देखिए खाना कैसा था। अब ये दोस्तों जब ये खाना सर्व किया गया तो देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन बहुत मैं इसको रेट दूँ तो ये 10 में से 7 की रेटिंग पे जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और इतना ख़राब भी नहीं था कि आप ठीक है पेट भर सकते थे। लेकिन हम लॉन्ज में खाना खा के आए थे, फिर खाना खाया, लेकिन खाना खा रहे थे, खाना भी आप देख सकते हैं कि मेरी टेबल पे प्लेट देखे गए और कैसा कैसा था। दोस्तों खाना खाया, खाने खाने के बाद थोड़ी देर हमने सोचा रेस्ट करें, तो खाना खाने के बाद वो ड्रिंक्स लेके आ गए। मैंने कहा यार ये उल्टा सिस्टम है, खाना खाने के बाद ड्रिंक्स, लेकिन शायद होता होगा इनके अपने यहाँ हांगकांग, क्योंकि वो फ्लाइट हांगकांग की थी तो शायद होता होगा। खैर दोस्तों हमने एक एक कॉफ़ी ली और खाना खा चुके थे, कॉफ़ी ली और आराम करने लगे। दोस्तों सुबह फ्लाइट सही समय पर हांगकांग एयरपोर्ट पहुंच गई, क्योंकि हमारा लेओवर टाइम मात्र 1 घंटे का था और फ्लाइट से उतरते उतरते हमें 10 से 15 मिनट लग गए थे। हमने भाग भाग कर अपनी स्कैनिंग कराई, सिक्योरिटी चेक करवाया और हांगकांग से सीधा अपनी फ्लाइट की तरफ चल दिए। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर हम हांगकांग में अपने बोर्डिंग गेट तक जा रहे हैं। अब हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगली फ्लाइट जो हांगकांग थ्रू गुआंगझोउ है, हम सब मिलकर अब वो पकड़ने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी है क्योंकि लेओवर टाइम मात्र 50 मिनट का मिला हमारे को सब कुछ कराने के बाद, ओवरऑल हम फ्लाइट पे पहुंच गए। और दोस्तों फिर उसके बाद अपनी फ्लाइट के अंदर, दोस्तों हांगकांग टू गुआंगझोउ की फ्लाइट बहुत ज़्यादा, वैसे तो 1 घंटे की है, लेकिन आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय फेरी भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। अब फ्लाइट उड़ी, फ्लाइट में हमें घुसते ही शायद एक बर्गर और एक पानी की बोतल दे दी गई, फ्लाइट उड़ी और कब गुआंगझोउ पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो हमने सबसे पहले अपना लगेज लिया, इमिग्रेशन क्लियर कराया, और जो हमने स्कैन कोड लिया था, आपको मैं बता दूं जो QR स्कैन कोड इंडिया के बोर्डिंग पास लेते वक्त हमने किया था, जो जिसका स्क्रीनशॉट लिया था वो हमने वहां पर स्कैन किया, तब हमारी वहां क्लियरेंस हुई। इमिग्रेशन और क्लियरेंस कराने के बाद, स्कैन कोड हेल्थ डिक्लेरेशन करने के बाद हम बाहर आए और हमने टैक्सी की लाइन पे सोचा कि टैक्सी पकड़ी जाए, जो हमने होटल बुक किया है वहां होटल तक के लिए।
हमने वहाँ लाइन में लगे, वहाँ सिक्योरिटी वाले को अपना दिखाया कि होटल जाना है इस होटल, तो उसने कहा ठीक है वो टैक्सी पकड़ लीजिए। दोस्तों अब वो टैक्सी पकड़ने गए तो जो टैक्सी वाले के साथ ड्रामा हुआ, आप मेरे इस वीडियो में सुनिए कि टैक्सी वाले के साथ क्या ड्रामा हुआ और अंत में हम टैक्सी में कैसे बैठे। दोस्तों यहां तक कि पुलिस केस भी, पुलिस की बातचीत भी हो गई थी कि टैक्सी वालों के साथ हमारा इतना जबरदस्त ड्रामा हुआ, वो टैक्सी वाला हमें ले जाने को राजी ही नहीं था। अब गोंजाऊ एयरपोर्ट पे पहुंच गए लेकिन यहाँ टैक्सी वाले हमें ले जाने को तैयार नहीं करे, लगेज तुम्हारे पास ज़्यादा कोई ले जाने को तैयार नहीं। अब पुलिस वाले टैक्सी वालों को समझा रहे हैं, हमारे लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टैक्सी वाला कोई भी मानने को तैयार नहीं। हम कभी किसी में लगेज डाल रहे हैं, कभी किसी में क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गोंजाऊ एयरपोर्ट से हमारे होटल तक कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा हम तीनों को एक साथ ले जाने के लिए। कमाल की बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है। दोस्तों सुनिए कि जब अंत में मैंने क्या बात बोली जब टैक्सी में हम बैठ गए अपने होटल के लिए। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस वालों ने आखिर दूसरी टैक्सी हम लोगों को करा के दी। वो टैक्सी वाला तो बिल्कुल मानने तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वालों ने, जो चाइना की पुलिस ने उस टैक्सी वाले से उसके सारे कागज ले लिए, शायद उसका चालान काटेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। उसको धमका रहे थे बहुत बुरी तरह से और हम लोगों को फिर एक नई टैक्सी करके कहा कि आप जाइए। अब लगा कि हाँ यार चाइना में पुलिस हेल्प करती है इंडियंस की। अब औरों के साथ क्या घटनाएं घटी हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की घटना तकरीबन एयरपोर्ट पर, गोंजाऊ के एयरपोर्ट पर हमारा एक घंटा उस टैक्सी वाले ने खराब किया। कभी सामान हमारा टैक्सी में रखे, कभी बाहर निकाले। मतलब अगर आप नहीं जाना चाहते सीधा कहो ठीक, दैट्स ऑल। कभी क्या कह रहा, कभी कह रहा है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो गार्ड्स थे वो कह रहे हैं जो टैक्सी करवा के देते हैं वो भी उसको बहुत समझा रहे लेकिन वो समझ नहीं रहा। अंत में उन्होंने गार्ड्स ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस वालों ने उसको खूब समझाया, उसने चालान तक शायद कटवाने को राजी हो गया लेकिन हमें ले जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। भाई मानना पड़ेगा उसकी जिद को। खैर थैंक यू पुलिस वालों का, उन पुलिस वालों का जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे को एक दूसरी टैक्सी करा के दी और हम उस टैक्सी पे अब आराम से बैठे हुए हैं और अपने होटल की तरफ गोंजाऊ में जा रहे हैं। आगे की बात जैसे कुछ होता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने होटल पहुंचे। आप मेरा ये होटल देख सकते हैं गोंजाऊ में, जो तकरीबन एयरपोर्ट से 1 से 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद था। हम होटल पहुंचे, होटल पहुंचने के बाद अपना रूम लिया जो 24 फ्लोर पे था और 24वीं मंजिल पे हमने आराम से रेडी हुए, फ्रेश हुए, तैयार हुए और उसके बाद अगले दिन के लिए, अगले काम के लिए हम तैयार थे। तो दोस्तों ये था मेरा इंडिया टू चाइना का सफर। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिली ये मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपके चाइना से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मेरे आने वाले वीडियोस में आपको जरूर मिलेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए इस चाइना सीरीज में, चाइना ट्रैवल 2023। तो दोस्तों अब तब तक के लिए नमस्कार।